यहाँ पर हमने Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर MIUI 14 का जो EUROM है इंस्टॉल किया है ऑफिशियल Android 13 के साथ जो है यहाँ पर अवेलेबल है। एंड रिसेंटली MIUI 14.0.3.0 का जो ऑफिशियल बिल्ड है यहाँ पर अवेलेबल हो गया है Redmi Note 11 डिवाइस के लिए। एंड इसका जो Xiaomi EUROM है ये भी अवेलेबल हो गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके MIUI 14 यू रॉम को डाउनलोड कर सकते हो Redmi Note 11 डिवाइस के लिए। तो एज रॉम है तो एंड्रॉयड 13 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। यहाँ पर जुलाई का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ एज बिल्ड है अवेलेबल है 4.19 कर्नेल के साथ। तो इस रॉम को हमने जो है यहाँ पर दो तीन दिन से यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले इस अपडेट के साथ आपको यहाँ पर जुलाई का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देने को मिलेगा। एंड ये जो रॉम है तो ऑफिशियल एंड्रॉयड 13 के साथ यू रॉम देखने को मिल गया है Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर MIUI डायलर एप्लीकेशन देने को मिलता है जिसके साथ आप जो है कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो विदाउट अनाउंसमेंट। एंड यहाँ पर इस तरह से सभी जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। MIUI 14 का सभी जो फीचर्स यहाँ पर ऐड किया गया है। MIUI 14 का जो विजर्ट्स का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, यहाँ पर वेदर विजर्ट्स, क्लॉक विजर्ट्स एंड बैटरी विजर्ट्स का ऑप्शन है। इस तरह से एडिट फोल्डर का ऑप्शन पर एनलार्ज फोल्डर का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर जगह इसे भी ऐड किया गया है। सभी जो ऑप्शन यहाँ पर काम करता है। प्लस यहाँ पर एडिट आइकॉन का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। इवन MIUI 14 के साथ जो सिस्टम एप्लीकेशन है उसे भी डिसेबल करने का और अनइंस्टॉल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। MIUI 14 का नया वाला जो वॉलपेपर है उसे भी ऐड किया गया है। सेटिंग्स होने के ऊपर कुछ इस तरह से जो है आइकॉन भी देखने को मिल जाएगा। एंड कैमरा एप्लीकेशन की अगर बात करें यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन के साथ इस तरह से सभी ऑप्शन है। यहाँ पर 2x अल्ट्रावाइड लेंस काम करता है। प्लस यहाँ पर HDR मोड काम कर जाएगा। AI कैमरा का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है। मैक्रो लेंस का जो ऑप्शन से काम करता है। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है यहाँ पर फुल HD 30 fps का ऑप्शन है। यहाँ पर प्रो मोड भी काम कर जाएगा। यहाँ पर वाइड बैलेंस, फोकस, शटर, ISO, EV मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम करता है। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी प्रो मोड काम करता है। पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड का ऑप्शन है। 50 MP शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, स्लो मोशन सभी जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। MIUI कैमरा एप्लीकेशन जो है पर काम कर रहा है। प्लस यहाँ पर प्ले स्टोर भी अवेलेबल है। अलग से GApps को यहाँ पर फ्लैश नहीं करना होगा। यहाँ पर FM रेडियो का जो ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है। एंड Xiaomi EUROM है तो इसलिए यहाँ पर जो है थीम्स को इंपोर्ट करने का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। इस रॉम के साथ जो थीम्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं इसे भी ऐड किया गया है Xiaomi EUROM के साथ। एंड इस तरह से सभी जो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है काफ़ी स्मूथ एंड स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर MIUI 14 के साथ जो है Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर रैम मैनेजमेंट के साथ जो है थोड़ा सा जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन है, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन को भी यहाँ पर थोड़ा सा स्मूथ किया गया है। बाकी जो ओवरऑल एनिमेशन है बढ़िया है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज बिल्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन भी देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर परफॉर्मेंस के साथ भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर MIUI 14 का सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम करते हैं। कुछ इस तरह से जो है क्विक सेटिंग्स पैनल है और जो कंट्रोल सेनेट इसे भी ऐड किया गया है। अगर बात करें यहाँ पर लॉक स्क्रीन के बारे में कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन UI को भी ऐड किया गया है। ये सभी जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। अगर बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में, हमने यहाँ पर इस रॉम के साथ जो कुछ बेंच मार्किंग एप्लीकेशन उसे रन किया था। यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 445 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है Redmi Note 11 डिवाइस के साथ। तो यहाँ पर 3D मार्क का जो स्कोर है काफ़ी बढ़िया है। Geekbench 5.5.1 के साथ जो सिंगल कोर के साथ 368, मल्टी कोर के साथ 1575 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। तो यहाँ पर मल्टी कोर का जो स्कोर है बढ़िया है। यहाँ पर Geekbench 6.1.0 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 418, मल्टी कोर के साथ जो 1418 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। एंड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स, विदाउट रूट सेप्टनेट जो यहाँ पर पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे, फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट काम करेगा इस रॉम के साथ। लगभग 10 मिनट के लिए सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट को हमने यहाँ पर रन किया था। मैक्स गया है 169, एवरेज है 158, मिनिमम है 148। यहाँ पर 90% का जो सीपीयू थ्रॉटल देखने को मिल जाएगा। मैक्स हो गया है 2.40 GHz तक। तो यहाँ पर MIUI 14 के साथ, Android 13 के साथ, Redmi Note
11 डिवाइस के ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बढ़िया यहाँ पर ओवरऑल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर गैलरी के साथ जो इस तरह से सभी जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर ऑटो का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर एडजस्ट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन एंड यहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ को जो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। टेक्स्ट को ऐड करने का जो ऑप्शन है, AI के ऊपर जो इरेज का ऑप्शन है, स्काई फिल्टर को ऐड किया गया है, फ्रेम का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, तो पर गैलरी के साथ जो है नया जो सभी जो फीचर्स यहाँ पर ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर होम स्क्रीन के साथ जो है पर आइकॉन के साथ बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन, यह सब जो डिफरेंट डिफरेंट कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके हम यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते देखिए पा रहे कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर कुछ कुछ एप्लीकेशन के ऊपर जो है यहाँ पर जो मोनेंट UI का जो ऑप्शन है, बेसिकली यहाँ से जो बैकग्राउंड कलर उसे आप जो सिलेक्ट कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है जो कि आपको यहाँ पर होम स्क्रीन के साथ यहाँ पर आइकॉन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इवन जो आइकॉन साइज इसे भी आप जो इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। इस तरह से सभी जो ऑप्शन यहाँ पर जो है काम कर जाएगा। बाकी यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, हमने यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐड किया था, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा, बहुत ही फास्ट आपको जो डिवाइस है अनलॉक हो जाएगा, यहाँ पर जो है फेस अनलॉक का जो ऑप्शन से काम करता है। ना पर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में, तो लगभग 2-3 दिन से हम इस रॉम की यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है काफ़ी बढ़िया है, पर बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन है, यहाँ पर कोई भी हीटिंग इशू देने को नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है काफ़ी बढ़िया है, लगभग जो है यहाँ पर 6 आवर के आसपास जो है पर बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पर बैटरी बैकअप जो है पर यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है, कौन कौन से एप्लीकेशन को यूज़ करते हो, ओवरऑल बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर काफ़ी कम जो है पर ओवरनाइट बैटरी के ऊपर ड्रेन देने को मिलेगा, लगभग जो है यहाँ पर 4% के आसपास जो है पर ओवरनाइट बैटरी ड्रेन देने को मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया है, सभी जो फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है, पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, या से आप जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज़ कर सकते हो। इस तरह से जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर ये सभी जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर राइज टू वेकअप का ऑप्शन है, डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर चार्जिंग एनिमेशन का ऑप्शन है, लॉन्च कैमरा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर जो क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद स्पीकर में जो भी डस्ट रहेगा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन है, यहाँ पर साइड बार का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। मेमोरी एक्सटेंशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, 1GB, 2GB, 3GB तक जो वर्चुअल रैम को इंक्रीज कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर इस तरह से सभी जो ऑप्शन है अवेलेबल है, पर साइलेंस मोड का ऑप्शन है, वाइब्रेटन टैप का ऑप्शन है, साउंड इफेक्ट का ऑप्शन है, इक्वलाइजर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, वॉल्यूम एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर डिस्प्ले के साथ जो है रीडिंग मोड का ऑप्शन है, सनलाइट मोड को ऐड किया गया है, प्लस शेड्यूल डार्क मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर इस तरह से सभी जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर कैमरा टू एपिक के साथ जो Level 3 का सपोर्ट है, गूगल कैमरा काम कर जाएगा, GCam यहाँ पर काम कर जाएगा। यहाँ पर रिसेंटली हमने गूगल कैमरा 8.9 का जो लेटेस्ट बिल्ड है Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर अवेलेबल हो गया था, उसका जो वीडियो है अपलोड किया है, GCam का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर GCam को काम कर जाएगा, पोर्ट्रेट मोड, फोटो वीडियो मोड को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर अगर बात करें गेम टर्बो मोड के बारे में, यहाँ पर गेम टर्बो मोड के साथ इस तरह से सभी जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है, पर वॉइस चेंजर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बैलेंस एंड परफॉर्मेंस मोड को भी ऐड किया गया है, तो यहाँ पर नया वाला जो गेम टर्बो मोड है ये भी काम कर चुके, इसे भी ऐड किया गया है। तब डेफिनेटली इस रॉम को ट्राई करके देखो, ये जो रॉम है तो Xiaomi UI के ऊपर बेस कर तैयार किया गया है ना, ये जो रॉम है तो हाइब्रिड रॉम है, इसका मतलब इस रॉम को आप चाहो तो यहाँ पर फास्ट बूट मेथड से और जो कस्टम रिकवरी से दोनों से ही फ्लैश कर सकते हो। इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, सिंपली Redmi Note 11 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखो। बाकी यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, फ्लैश लाइट, यहाँ पर वॉल्टी भी काम कर जाएगा, यहाँ पर ब्लूटूथ काम कर रहा है, फ्लैश लाइट भी काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर हॉटस्पॉट एंड वाईफाई को एक साथ यूज़ कर सकते हो, पर डार्क मोड भी काम कर जाएगा, इसके साथ भी कोई भी इशू नहीं है। कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर प्योर मतलब जो MIUI 14 का जो एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, MIUI 14 को ऑप्टिमाइज किया गया है, बेटर रैम मैनेजमेंट, बेटर बैटरी बैकअप, बेटर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगा Xiaomi UI ROM के साथ Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर। एंड ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम करते हैं, कोई भी मेजर इशू देने को नहीं मिलेगा, कोई भी बग यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। बाकी इस तरह से सभी जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर
नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर के साथ जो नोटिफिकेशन इफेक्ट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर स्टाइल का ऑप्शन है, स्विच कंट्रोल सेंटर स्टाइल का ऑप्शन है, एडिशनल के ऊपर जो है इस तरह से सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। इस तरह के साथ जो है यहाँ पर यूज ऐप आइकन फॉर नोटिफिकेशन, 4G आइकन का ऑप्शन है, बैटरी इंडिकेटर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, सरस पर आइकन का ऑप्शन है, हाइट नॉच का जो ऑप्शन से काम करता है। तो डेफिनेटली इस रॉम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर, एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। चलो बाय बाय।